जनपद बुलंदशहर में फेसबुक के माध्यम से परवान चढ़ा प्यार, थाने में हुआ निकाह। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज प्रेमी जोड़ा निकाह बंधन में फंस गया। निकाह के शुभ मुहूर्त का गवाह थाने का स्टाफ बना। बकायदा थाने में मौलवी को बुलाया गया और मौलवी की मौजूदगी में प्रेमी और प्रेमिका ने 3 मरतबा कबूल है, कबूल है, कबूल है कहकर कबूल कर निकाह में शरीक कर लिया। निकाह की यह तस्वीर बुलंदशहर के महिला थाने की है, जहां मौलवी प्रेमी और प्रेमिका को निकाह पढ़ा रहे हैं। दरअसल 2 वर्ष पूर्व कानपुर की हीना और गुलाठी बुलंदशहर के शादाब का फेसबुक के संपर्क में हुआ था। बात बढ़ी तो दोनों ने फोन पर बात के साथ साथ मिलना जुलना भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते हीना और शादाब की मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो गई। लेकिन हीना और शादाब की मोहब्बत में उस वक्त दरार पड़ गई जब शादाब हीना के निकाह का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे दुखी हीना ने SSP बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह ने शादाब की बेवफाई की शिकायत की। आज महिला थानाध्यक्ष ने हीना और शादाब को थाने में बुलवाया और दोनों को समझाकर निकाह का कन्विंस किया। दोनों के रजामंद होने के बाद थाने में मौलवी को बुलाया गया। मौलवी ने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादाब और हीना का निकाह कराया। निकाह में थाने के स्टाफ ने घराती और बराती की भूमिका निभाई और दूल्हा दुल्हन को निकाह की मुबारकबाद दी। जी, और हम खुश हैं और उनकी फैमिली से कोई भी मतलब नहीं है। एक दूसरे की आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? फेसबुक के जरिए। जी, तो शादी तक पहुंच गए बात। हमें निकाह हुआ है, कैसे ये निकाह संभव हो पाया? ऐसा है, हीना बेगम नाम की कप्तान साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरा शादाब लड़का गुलाबटी का रहने वाला है, जिसने ये कहा था, लड़की ने, लड़की कानपुर की रहने वाली, लड़का गुलाबटी का रहने वाला है। तो इसमें हीना ने ये कहा था कि साहब मेरे साथ कानपुर में रहकर और दिल्ली में रहकर प्रेम प्रसंग करा, उसके बाद में अब मेरे से शादी नहीं करना चाह रहा, मगर दोनों का सुलह समझौता होने के बाद में अब दोनों के निकाह हो चुका है, इसमें दोनों को कोई ऐतराज नहीं है, सब शांति से रहेंगे। इनका संपर्क एक दूसरे का कैसे हुआ था? इनका फेसबुक के द्वारा हुआ था, माध्यम से मोबाइल के द्वारा फेसबुक में चलाया था, उसके माध्यम से इनका संपर्क हुआ था, जिसकी वजह से अब दोनों का समझौता हो चुका है और दोनों का निकाह करा दिया गया है।